अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम अ टीचर ऑफ क्लास K1। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद हैं। बच्चों के तलीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने रिकॉर्डेड क्लासेस का आगाज़ किया है। आइए हम अपने फर्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्लास K1, सब्जेक्ट इज साइंस। लेक्चर नंबर 1 और यूनिट आपका है 2, द सेंसेस। यूनिट नंबर 2, द सेंसेस। इस लेसन में आप ये सीखेंगे कि हम कैसे अपने बॉडी पार्ट से अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ये भी पढ़ेंगे इसमें कि हम कैसे अपनी बॉडी को डिफरेंट वेज में मूव कर सकते हैं। वी हैव 5 सेंसेस। हमारी 5 सेंसेस हैं। दीज आर साइट। साइट मीन्स देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल सूंघना, टेस्ट कोई चीज़ चखना, एंड टच और किसी चीज़ को छूना। हाउ डू वी यूज़ द सेंसेस? अब हम इसमें पढ़ेंगे हम अपने इन सेंसेस को कैसे यूज़ करते हैं। साइट, देखना, कैसे देखते हैं? वी सी विद आवर आइज। हम अपनी आँखों से देखते हैं। वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज़। हम अपनी आंखों से ये भी देख सकते हैं कि चीज़ कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, या हमारे कितने पास या कितनी दूर है। वी कैन सी कलर्स एंड शेप्स। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी कलरफुल चीज़ें को देख सकते हैं और उनके डिफरेंट शेप्स को भी देख सकते हैं। वी सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट रादर देन इन डिम लाइट। हम अब जब अपनी आइज़ बंद करेंगे, या आप अपने फॉर एग्जांपल आप अपने रूम की लाइट ऑफ करके आप अपनी चीज़ों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी क्लियर। जैसे ही आप अपने रूम की लाइट ऑन करके देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। सेकंड पॉइंट इज़ हियरिंग। वी हियर साउंड्स विद आर ईयर्स। हम अपने कानों से सुन सकते हैं। वी कैन हियर पीपल स्पीकिंग। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह हम कुछ भी लोगों को बोलते हुए सुन सकते हैं। वी कैन हियर लाउड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स। हम बहुत तेज़ आवाज़ें, सॉफ्ट साउंड्स, लाउड साउंड, शोर, ऐसी आवाज़ें भी सुन सकते हैं। वी कैन हियर साउंड्स दैट आर नियर अस एंड सम दैट आर फार अवे। हम वो साउंड्स भी बहुत आसानी से सुन सकते हैं जो हमारे पास कोई डिस्कस कर रहा होता है, कोई पास बोल रहा होता है, वो साउंड्स भी जो दूर से आ रही होती हैं हम वो भी अपने ईयर्स की मदद से सुन सकते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। नेक्स्ट सेंस इज स्मेल। वी स्मेल विद आर नोज। हम अपने नोज से कुछ भी स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। समथिंग स्मेल प्लेजेंट, अदर्स स्मेल बैड और अनप्लेजेंट। प्लेजेंट मीन कि आपको जो सूंघने में जो आपके दिल को अच्छी लगती है, एंड बैड स्मेल्स, अनप्लेजेंट स्मेल्स जो आपको स्मेल करने में अच्छी नहीं लगती। जैसे कि आप हम परफ्यूम, कोई भी फ्लावर, जो चीज़ आप स्मेल करें जो आपको अच्छी लगती है, और बैड स्मेल्स, अनप्लेजेंट स्मेल्स, और ये सब हम अपने नोज से स्मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंस इज टेस्ट। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। टंग कहते हैं जुबान को। हम अपने ज़ुबान की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट स्वीट। स्वीट मीन्स मीठी चीज़ें। सोर, खट्टा, बिटर, कड़वी चीज़ें, एंड सॉल्टी फूड्स। और खाने बहुत सारे नमकीन खानों को हम टेस्ट कर सकते हैं। हम जैसे कुछ खाते हैं, जैसे ही वो हमारी ज़ुबान से टच होता है, हमारी ज़ुबान पे लगता है, हमें उसका टेस्ट फील होता है। कुछ भी खाएं आपको फ़ौरन फील हो जाता है। आइसक्रीम खाते हैं आपको फील होता है कि ये स्वीट है, मीठी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कड़वी हैं, खट्टी हैं या नमकीन हैं, आपको अपने ज़ुबान से, टंग से टच करके, टेस्ट करके आप बता सकते हैं उसका। नेक्स्ट सेंस इज टच। वी कैन टच एंड फील। टच मीन होता है किसी चीज़ को छूना। जैसे ये यहाँ पे गर्ल कैट को टच कर रही है। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन आवर बॉडी। हमारी बॉडी पे जो स्किन है, हम उससे टच करके किसी भी चीज़ से, बॉडी के किसी पार्ट से भी हमारे कुछ भी टच हो तो हम उसको फील कर सकते हैं कि ये कैसी है। वी कैन फील इफ़ समथिंग इज़। हम क्या फील कर सकते हैं कि वो चीज़ हार्ड है, सॉफ्ट है। अब जैसे ये कैट है, कैट को टच करके बता रही है कि कैट की स्किन कितनी सॉफ्ट है। हार्ड, शार्प, रफ और स्मूथ। शार्प नुकीली तेज चीज़ों को, रफ चीज़ों को, और जो बहुत स्मूथ होती हैं, हम सबको अपने हाथ की मदद से या किसी भी अपने बॉडी पार्ट से, लेग से टच करके हम फील कर सकते हैं कि कैसी है। हॉट, वार्म और कोल्ड। गर्म, ठंडी और चीज़ों को भी हम अपने टच करके हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हाथ पे आप अपने पानी का एक ड्रॉप गिराइए,
अब जैसे ही उसका ड्रॉप गिरेगा आपको फील होगा कि वो गर्म है या ठंडा है. Our senses tell us what is happening around us. हमारी तमाम senses जो मैंने अभी आपको बताई हैं, sight, hearing, smell, taste and touch. इन तमाम senses के हम बता सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. They help us to enjoy life. ये हमें अपनी ज़िंदगी को enjoy करने के लिए भी help होती हैं, help करती हैं. They can also save us from danger. ये हमें किसी ख़तरे से भी बचाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर कोई डेंजर पास है, कोई हमें है, हम सुन सकते हैं उस डेंजर की आवाज़ को, कि हम देख सकते हैं और उस खतरे के लिए हम अपने आप को सेव कर सकते हैं. प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम साउंड्स दैट आर लाउड. अपने कानों को ऐसी आवाज़ से दूर रखिए जो बहुत ज़्यादा शोर का बाइस बनती हैं. डू नॉट स्टिक थिंग्स इन योर ईयर्स. अपने कानों में कोई भी चीज़ को स्टिक मत करें जो कि कान के पर्दे के नुकसान का बाइस बने. प्रोटेक्ट योर आइज़. Never look directly at the sun. अपनी आइज का भी ख्याल रखें, उनकी हिफाजत करें. Never look directly at the sun. सूरज की तरफ कभी भी डायरेक्ट मत देखें. जैसे कि इस बॉय ने देखें, ग्लासेस लगाए हुए हैं, आप भी ग्लासेस यूज़ करके सन की तरफ डायरेक्टली देख सकते हैं. कंसेप्ट चेक. आपने अब जो पढ़ा है ये सारा आपने अपने कंसेप्ट को चेक करने के लिए आपने इसको फिल करना है. राइट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूज फॉर ईच ऑफ द फाइव सेंसेज लिस्टेड बिलो. चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. कोई बॉक्स दिया गया है, उसमें आपके सेंसेस जिनके आपके बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, आपने इनको गेस करना है कि कौन सा सेंस आपके कौन से ऑर्गन को यूज़ करता है. टेस्ट. अब आपने बताना है कि टेस्ट के लिए आप कौन से बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं. नोज़, ईयर्स, आइज, टंग, स्किन. टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं टंग. लुक एट द स्पेलिंग एंड राइट हियर. यहाँ से आप देखेंगे और यहीं पर लिखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट इज स्मेल. स्मेल के लिए हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं. नोज, राइट हेयर, नोज. थर्ड इज हियरिंग. सुनने के लिए हम कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं. ईयर्स, ईयर्स, राइट हेयर, ईयर्स. नेक्स्ट इज टच. हम टच करने के लिए किसी चीज़ को भी कौन सा हम पार्ट यूज़ करते हैं. यहाँ पर लिखा है स्किन. हमारी बॉडी की स्किन, हम स्किन को यूज़ करते हैं टच करने के लिए. नेक्स्ट इज साइट. साइट मीन्स देखना, और देखने के लिए हम यूज़ करते हैं आइज. यह आपने आपका होम टास्क है, यह आपने कंप्लीट करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट. मूवमेंट कहते हैं हरकत करने को, एक जगह से दूसरी जगह जाने को मूव करना कहते हैं. वी मूव इन डिफरेंट वेज. हम बहुत सारे तरीक़ों से डिफरेंट वेज में हम मूव करते हैं. मसलन अब आगे आपको बताया जाएगा. वी कैन रन. हम भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्रॉल जैसे छोटे बेबीज अपने घुटनों के बल पे रेंगते हैं उनको बोलते हैं क्रॉल, वैसे हम कर सकते हैं. स्लाइड, हम स्लाइड ले सकते हैं, मतलब स्लाइड की तरह हम कर सकते हैं. वॉक, चल सकते हैं. रोल हो सकते हैं. एंड टर्न, और घूम सकते हैं. वी कैन मूव मैनी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हम अपने इन काम करने के लिए हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. डिस्कस एंड आंसर. इन पिक्चर्स को देखिए, डिस्कस करें और आंसर दीजिए. हाउ आर दीज चिल्ड्रन मूविंग. आपने बताना है कि ये चिल्ड्रन कैसे मूव कर रहे हैं. विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर दे यूजिंग. और अपने कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ कर रहे हैं. हेयर आर सम वर्ड्स टू यूज़. आपको यूज़ करने के लिए उन्होंने नीचे फ्रॉम वर्ड्स भी दिए हैं. आप इसकी हेल्प से उन पिक्चर को देख के यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें. मूवमेंट्स, यहाँ पे आपको कुछ मूवमेंट्स दिखेंगे, मैं इनको रीड कर रही हूँ, बोल से सुनिएगा. रन, भागना. पुश, किसी चीज़ को धक्का देना. च्यू, छिपाना. यौन लेना, मुँह खोल के जैसे आप नींद आ रही होने पर यौन लेते हैं. जंप करना. पुल, अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना. सिट, बैठना. वॉक, चलना. सिंग, गाना गाना. स्ट्रॉक, किसी चीज़ को हिट करना, स्ट्राइक करना, मारना. कफ, खांसना. बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रखना, मतवाजन रखना. राइट, लिखना. नॉट, हाँ में कहना, गर्दन हिलाना, हाँ कहते हुए, यस कहते हुए, जैसे आप यस करते हैं. किक, किसी चीज़ को पाँव की मदद से मारना. होल्ड, पकड़ना. स्ट्रेच, खींचना, जो स्ट्रेच करते हैं बॉडी को. उसके बाद है
यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, आपने ये भी बताना है कि कौन से मूवमेंट के साथ कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है। दीज आर आइज, चेस्ट, फिंगर्स, थम्स, हेड, टोज, टोज आपके पाँव के अंगूठों को बोलते हैं, पाँव के फिंगर्स, लेग्स, चिन, नेक, आर्म्स, लिप्स, बैक, हैंड्स, टंग, शोल्डर्स, फीट, जॉज। जॉज कहते हैं आपके मुंह में जबड़ा जो होता है जिससे आप मुंह खोलते हैं वो होता है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल मी विच मूवमेंट एंड विच बॉडी पार्ट इज यूज। नंबर वन, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में बॉय डॉग को लेके क्या कर रहा है? यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड है वॉक, चल रहा है ना, आप देखिए वॉक कर रहे हैं, और इसको कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है? वो वॉक करते हुए अपने लेग्स फिट को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर, द गर्ल इज स्किपिंग। स्किपिंग मतलब रस्सा टाप रही है, तो स्किप कर रही है, वो क्या यूज़ कर रही है, मूवमेंट इसकी क्या है? जंप, जंप कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ जंप, यहाँ से जंप, और कौन सा बॉडी पार्ट अपना यूज़ कर रही है? लेग्स भी और अपने हैंड्स भी। नेक्स्ट इज लुक एट दिस पिक्चर, द गर्ल इज़ बैलेंसिंग। गर्ल चल रही है, उसमें अपने आप आपको बैलेंस रख रही है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, वर्ड है बैलेंस, और बैलेंस करने के लिए वो अपने आप को दो बॉडी पार्ट यूज़ कर रही है, उसके लेग्स भी यूज़ हो रही हैं, और अब वो अपने हाथों की मदद से भी, आर्म्स की मदद से अपने आप को बैलेंस कर रही है। नेक्स्ट पिक्चर इज बॉय क्या कर रहा है? बॉय बॉल को स्ट्रोक कर रहा है, मतलब उसको हिट कर रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रोक बोलते हैं अपने प्रेशर से, जोर से आपको जब किसी चीज़ को करते हैं तो वो उसको स्ट्रोक कर रहा है। स्ट्रोक के लिए उसकी मूवमेंट यहाँ पे लिखी हुई है स्ट्रोक, और बॉडी पार्ट अपना वो यूज़ कर रहे हैं हैंड, और इसके शोल्डर भी मूव हो रहे हैं, ठीक है, शोल्डर के प्रेशर से वो अपने आप स्ट्रोक कर रहा है, हिट कर रहा है। नेक्स्ट इज बॉय, उसने एक बॉक्स को उठाया हुआ है, तो यहाँ पे मूवमेंट इसकी यूज़ हो रही है होल्ड, यानी कि उसने पकड़ा हुआ है उसको, और वो अपना कौन सा यूज़ कर रहा है बॉडी पार्ट? इसमें अपना यूज़ कर रहा है बॉडी पार्ट आर्म्स, आर्म्स की मदद से उसने उसको होल्ड किया। नेक्स्ट पिक्चर इज द बॉय इज़ जंपिंग, हवा में जंप कर रहा है, ये ऊंचा है, और वह कौन से उसने जंप किसकी मदद से किया? अपनी लेग्स की मदद से। नेक्स्ट इस बॉय का मूवमेंट देखिए, वो किक कर रहा है, अपने लेग की मदद से किक कर रहा है, मूवमेंट उसकी है किक, और द बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है लेग। नेक्स्ट पिक्चर इज़ बॉय इज़ सिटिंग, बॉय की मूवमेंट है सिट, बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? रीड कर रहा है, और उसका कौन सा बॉडी पार्ट रीड करते हुए यूज़ हो रहा है? आइज। नेक्स्ट पिक्चर द बॉय इज़ ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहा है, आइसक्रीम खाते हुए उसका कौन सा बॉडी पार्ट? पहले आप उसकी मूवमेंट बताएंगे, क्या किया हुआ है इसने पिक्चर में, मूवमेंट उसकी है होल्ड, उसने आइसक्रीम को पकड़ा हुआ है, और कौन सा बॉडी पार्ट आइसक्रीम खाते हुए यूज़ कर रहा है? अपनी टंग को यूज़ कर रहा है, टंग। एंड द लास्ट पिक्चर इज बॉय इज स्ट्रेचिंग, अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई लेने का स्ट्रेच कर रहा है अपने आप को, स्ट्रेच उसकी मूवमेंट है स्ट्रेच, और वह अपने यूज़ कर रहा है आर्म्स को भी, और अपने चिन को भी उसने ऊपर की तरफ किया हुआ यूज़ कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, आपने इस पूरे लेसन को, यूनिट को अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज, इसका बुक वर्क इसी के अकॉर्डिंग करेंगे।